नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आमला में ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी की बैनर तले ब्लॉक दलित एक्शन कमेटी ने आज संभागीय अध्यक्ष विजय रसिया अतुलकर के नेतृत्व में नगरपालिका एवं तहसीलदार कार्यालय में राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अतुलकर ने कहा कि बीते दिनों दिल्ली में दलित बेटी के साथ हुई दुराचार की घटना में शामिल दोषियों को तुरंत फांसी दिए जाने की मांग के साथ ही अंबेडकर पार्क में नगरपालिका भवन निर्माण का विरोध भी किया। साथ ही बंसकार समाज के लिए पूजा स्थल के लिए भूमि आवंटित किए जाने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से इस दौरान निकाली गई रैली में दलित एक्शन कमेटी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। तो उसके जो आरोपी हैं उनको फांसी देने की मांग को लेकर आज हमारे संगठन दलित एक्शन कमेटी आमला के अध्यक्ष और हमारे संभागीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश के महामंत्री उनके द्वारा आज ज्ञापन दिया है। हमारी ये मांग है कि उस आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दी जाए और तत्काल ही एक CBI कमेटी की गठन हो और उसके द्वारा उसकी जांच की जाए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र बर्थे। दलित संगठन में क्या दायित्व है आपका? प्रवक्ता। आज ज्ञात हुआ किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया? आज दलित एक्शन कमेटी द्वारा नगर पालिका CEO तथा तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमारी प्रमुख मांग यह रही कि जो हमारी दलित बेटी के साथ दिल्ली में कुकृत्य हुआ है उस आरोपी को जल्दी से जल्द फांसी दी जाए और जो बेटी को रातों रात जला दिया गया जिसकी CBI जांच की जाए, ऐसी मांग को लेकर आज हमने ज्ञापन तहसीलदार महोदय आमला को सौंपा। खबर समय जगत के लिए आमला से हरिप्रसाद गोही की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.